नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता मुकेश कुमार मीणा की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से हुआ मीटिंग का आयोजन धनपाल मीणा जी के नेतृत्व में। संवाददाता अफीम खान की रिपोर्ट के अनुसार नागोरियान जयपुर वार्ड नंबर 13 की अध्यक्ष अजीम अंसारी ने अपनी पत्नी अफरोज बेगम को अध्यक्ष बनाने पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। संवाददाता हफीज खान की रिपोर्ट के अनुसार मदरसा जामिया तेबा में बहुत ही शानदार तरीके से सम्मान समारोह और वीर शहीद अशफाक उल्ला खान जयंती मनाई गई। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार कोटा के वार्ड 71 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण में पहले ही कई परेशानी आ रही थी। समय पर डोर टू डोर कचरा नहीं लिया जाता, कई बार तो कचरा डोर टू डोर उठाने वाली गाड़ी नजर नहीं आती। दिन में दो बार डोर टू डोर कचरा निगम द्वारा उठवाया जाता है। तथा रमेश गुर्जर की रिपोर्ट के अनुसार अकलेरा कस्बे तारज में माननीय विधायक नरेंद्र नागर के कोष से स्वीकृत कचरा संग्रहण वाहनी के चालक रामपाल वाल्मीकि का मुख्य बाजार तारज में भारतीय जनता पार्टी मंडल महामंत्री धनराज सेन पवन जैन से साफा बांधकर पुष्पाहार पहनाकर स्वागत किया गया। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार दलित परिवार को प्रताड़ित करने एवं न्याय न मिलने पर मुलोन ग्राम में 250 से अधिक लोगों ने किया बौद्ध धर्म ग्रहण। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार ससवाली महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत के सरपंच एम इदरिश खान के द्वारा अपनी टीम के साथ दीपावली पर्व को लेकर संपूर्ण कस्बे में रात्रि में भी सफाई व्यवस्था कर। संवाददाता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार झालावाड़ दीपोत्सव के अवसर पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से रविवार को सूर्य मंदिर पर राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा रंगारंग। संवाददाता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार चौमहला झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में भारत पाक के हाई वोल्टेज मैच में भारत की जीत पर कस्बे में समर्थकों द्वारा आतिशबाजी व रंगोली बनाकर जीत की बधाइयां दी गई। अमित अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार चौमहला झालावाड़ जिले की गंगाधार पुलिस ने ताश के पत्ते पर दाव लगाकर जुआ खेलते 6 जनों को गिरफ्तार कर 32,000-25,000 रुपए की राशि जब्त करने में सफलता हासिल की। हाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए देश हित के बाद मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।